अस्सलाम वालेकुम। हज़ारा मोटरवे बनने के बाद वादी कागान तक पहुंचना इंतहाई आसान हो गया है। वादी कागान बालाकोट से शुरू होती है और दरिया कुनार भी यहां से ही शुरू होता है। लोग ज़्यादातर बालाकोट में नाश्ता करने के लिए रुकते हैं। बालाकोट के बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है। तकरीबन थोड़ी ही देर के बाद, 15-20 मिनट के बाद, ये आपको बालाकोट चश्मा मिलता है। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा और बहुत ही दिल फरेब नज़ारा है इसका। बालाकोट से 1 घंटे के सफ़र के बाद हम केवाई पहुंच गए हैं। केवाई बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर चारपाइयों पे आप पानी में अपने पांव फैला के बैठ सकते हैं और ठंडे पानी का लुत्फ़ ले सकते हैं। केवाई के बाद नारान और कागान शहर आता है, लेकिन हम शहर में दाखिल नहीं हो रहे। हम सबसे पहले जाएंगे लुलूसर लेक और बाबूसर टॉप, उसके बाद हम बाकी नारान और कागान देखेंगे। इसलिए सबसे पहले हम बाबूसर टॉप जाएंगे। इस वक्त हम लुलूसर झील पहुंच चुके हैं। लुलूसर झील वादी कागान की सबसे बड़ी और सबसे लंबी झील है। इसका पानी बहुत ही नीला है। इन पहाड़ों के दरमियान में ये नीले कलर का पानी बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश करता है। ये लुलूसर झील। इसका पानी बहुत ही ठंडा है। देखिए, मैं पाँव इसमें रख रहा हूँ और मेरा पाँव एक जम गया है बिल्कुल। सीज़न के शुरू में ही इसके अंदर बर्फ़ के ग्लेशियर तैरते हैं और जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये वाहिद झील है जिसमें आप कश्ती नहीं चला सकते। यहाँ कश्ती चलाना बिल्कुल ही मना है। गतिदास बहुत ही खूबसूरत और दिल फरेब मनाजर पेश करता है। ये दरिया कुनार सड़क के साथ साथ दरिया कुनार बहता है और इसके साथ ये खूबसूरत फूल बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा पेश करते हैं। देखने वाले की आंखों को बहुत सुकून मिलता है। बाबूसर टॉप पहुंच गए और मैं बाबूसर टॉप पर खड़ा हूँ। बाबूसर टॉप की हाइट 4173 मीटर है।
इसको बाबूसर टॉप और बाबूसर पास भी कहते हैं, क्योंकि इससे आगे आप हुंजा गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं और इससे पीछे पीछे नारान और कागान वैली होती है। बाबूसर टॉप पर ये दिलकश पहाड़ देखकर बहुत ही मज़ा आता है, जिनके ऊपर बर्फ़ हो, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये पहाड़। अभी बाबूसर टॉप पर हम खाना बनाएंगे और उसके बाद वापस नारान और कागान जाएंगे हम। अस्सलामुअलैकुम। अभी इस टाइम हम नारान में पहुँचे हैं और यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की। होटल की हम देखते हैं, कोई होटल हमें मिल जाए वहाँ पे हम थोड़ी देर कपड़े चेंज करेंगे, फिर स्टे करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, फिर हम रात को शॉपिंग के लिए निकलेंगे होपफुली, और सुबह यहाँ से फिर हम अब फैसलाबाद की तरफ रवाना होंगे। ये हमारा लास्ट पॉइंट है हमारे इस टूर का। चलें फिर मिलते हैं रात को। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इस वक्त मैं नारान बाज़ार में, यहाँ पर मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आई खाने की, तो मैं देखा वो चपली कबाब की, ये देखा, मैंने सोचा क्यों ना हम जाके अंदर ट्राई करें चपली कबाब थोड़ा खाएँ, आपको मैं दिखाता हूँ साथ साथ। देखिए सभी यहाँ पर वेरी चपली कबाब, वेरी टेस्टी, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त था, बड़ा मज़ा आया हमने ज़बरदस्त, काफ़ी दिनों बाद अच्छी रोटी खाई है, बहुत मज़ा आया। और इस टाइम हम यहाँ पर चपली टिक्का खाने आए हैं, चपली कबाब सारी खाने आए हैं, देखने में तो बहुत मज़ेदार लग रहा है। ये वाली है, देखिए आप, कहते हैं ये यहाँ की नारान की स्पेशलिटी है, और इसको खा के हम देखते हैं ये कैसा टेस्ट है इसका। आए चले इसको खाते हैं। बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा अच्छा बिल्कुल बाबा ने आज ट्रेन आपको भी मैं कहूँगा, जब भी नारायण आए यहाँ से चपली कबाब उदास नहीं है। ये बहुत सारी शॉपिंग की मैंने घर वालों के लिए, अनफॉर्चुनेटली आपको दिखा नहीं पाया मैं क्या क्या ख़रीदा मैंने इधर से, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम था और शॉप जो थी वो जितनी बंद हो रही थी। इस वक्त यहाँ पे 2 बज चुके हैं रात के नारान में, तो इसलिए मैं सॉरी वो वीडियो नहीं बना पाया। तो ये मैंने शॉपिंग की है, सुबह इंशाल्लाह हम निकलेंगे वापस फैसलाबाद के लिए। बादल काफ़ी हैं, बारिश भी काफ़ी है और मौसम भी काफ़ी ख़राब है। रास्ते में आए थे तो काफ़ी लैंडस्लाइडिंग हुई थी, इंशाल्लाह सुबह फैसलाबाद पहुंचकर आपसे मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़। इस वक्त यहाँ पर तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। हमारा प्लान था सुबह सैफुल मुलुक जाने का, लेकिन अब देखें क्या प्रोग्राम बनता है हमारा। अगर सुबह मौसम साफ़ रहा तो इंशाल्लाह हम ज़रूर सैफुल मुलुक जाएंगे और आपको सैफुल मुलुक भी दिखाएंगे। ऐसी सुबह आज तक मैंने ज़िंदगी में अपनी नहीं देखी। माशाल्लाह कितना पुरसकून माहौल है यहाँ पर, और ये पहाड़ों के ऊपर ये बादल बहुत ही दिल फरेब दिलकश नज़ारा पेश करते हैं। बहुत ही खामोशी और बहुत ही सुकून है यहाँ पर। बारिश से मौसम काफ़ी ख़राब हो गया, जिसकी वजह से सैफुल मुलुक का रास्ता बंद है, तो इसलिए अब हम वापस जा रहे हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। लेकिन हमारा ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, हमारे साथ रहिए और हमारा साथ देते रहिए। अल्लाह हाफिज़। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह ये कुछ है, ज़बरदस्त, ये देखें कितना।
ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त ये देखें।